हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आज मैं अपना सारी कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं, जिसमें से कुछ दो चार तो मैं भूल ही गई आप लोग को दिखाना। तो जितनी साड़ी मेरी अलमीरा में थी जो मुझे दिख गई, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भी साड़ियाँ हैं अभी मेरे पास, बाद में जब मैं वीडियो में देख रही हूँ ना तो मुझे याद आया, अरे मैंने ये वाली साड़ी तो दिखाई नहीं आप लोग को, ये वाली साड़ी तो दिखाई नहीं, फिर कभी दिखा दूंगी। अभी जितना फिलहाल मुझे याद है उतनी मैं आपको, जितनी मुझे दिखी सामने मेरी वार्डरोब में थी उतनी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं साड़ियाँ निकाल के लगा दूंगी। चैनल कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आप लोग एक डिफरेंट वीडियो लेके आई हूं। तो यहां पे मैं आ गई हूं आज अपनी सारी साड़ियां लेके, आज मैं आप लोग को अपनी सारी कलेक्शन दिखाने वाली हूं। मेरी 5 साल की शादी में मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। अच्छा, इतनी साड़ियाँ जो यहाँ पे मेरे पास है वो मैं दिखा रही हूँ। इसके अलावा 8-9 साड़ी मेरी कोलकाता में रखती है, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे आपको दिखा दूंगी। तो फिलहाल जो जो मैं वो दिखा दे रही हूँ शादी से लेके अब तक की साड़ियाँ हैं। तो चलो ले आओ कैमरा मैन, आओ पास में, मैं दिखाती हूँ एक एक। मैं दिखा मतलब जितना हो पाए मैं बता दे रही हूँ वीडियो, ताकि बहुत बड़ा ना हो। चलो कलिंगी वाली साड़ी मैंने रखी है, इससे स्टार्ट करते हैं। ये साड़ी है, ये देखिए ऑर्गेंजा सिल्क है ये, और ये अभी रिसेंट में मैंने ली है। ये साड़ी मैंने, आपने देखा होगा, करवा चौथ में पहनी थी, तो ये वही साड़ी है, नहीं लोकल शॉप से मैंने ली थी। और ये जो साड़ी है ये थोड़ी हेवी सी साड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हो रखा है ये देखिए। और ये मेरी शादी की साड़ी है जो मेरे मायके से मुझे मिली थी। एंड ये देखिए ये साड़ी, वो फ़ोटो दिखाओ ज़रा रिसेप्शन वाली, अब ये साड़ी दिखाओ। तो गाइज़ ये मेरी साड़ी ना, मेरे रिसेप्शन की साड़ी है जो मैंने पहनी थी, और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी मेरे इंगेजमेंट में। तो वो ये है, ये दो रंग की साड़ी बहुत सुंदर है, देखिए पहले इस तरह से चलती थी ना, तो वही है। उसके बाद आते हैं इस पे, जल्दी मैं दिखा रही हूँ नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, मतलब बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। एक साड़ी ये है मेरी, ये सारी साड़ियाँ आपको ज़्यादातर ऐसे वर्क वाली दिखेंगी, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे ऐसे वर्क वाली साड़ियाँ बहुत चलती थी। तो ये मेरी शादी की साड़ी है, जो शादी के टाइम मंडप में ससुराल से हम लोग के यहाँ साड़ी आती है वो साड़ी है ये, मैंने कभी नहीं पहनी अभी। और एक ये साड़ी है, ये मेरे मायके की साड़ी है, जब मैं नई नई दुल्हन बनी थी तो मैं इसको पहनती थी। ये मेरे पास नई साड़ी रखी हुई थी, मैंने रख दी, ठीक है। ये देखो ये साड़ी मुझे मेरी भाभी के यहाँ, ये साड़ी ये है राजस्थानी चंदन की साड़ी है ये मेरे देवर साहब आए थे मेरे लिए। एक ये साड़ी है, ये पता नहीं कौन सा सिल्क है, ये भी मुझे गिफ्ट मिली थी जो शैलेन भैया उनकी शादी में। और एक साड़ी ये है, ये देखिए ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मी ने दिलाई थी मुझे कोलकाता में, कोलकाता सिल्क है। और ये साड़ी अभी रिसेंटली आपने ब्लॉग में देखा होगा मैंने पहनी थी, ये देखो। तो ये साड़ी मैंने ली थी तीज में, आपने देखा होगा, अभी मैंने एक फंक्शन में भी पहनी थी, बहुत सुंदर साड़ी है। और एक ये साड़ी है, ये चढ़ाव की साड़ी है, मतलब शादी के टाइम ये भी चढ़ाव की साड़ी है, बाकी मैं से दिखाती जाती हूँ, ठीक है। ये मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है, यही साड़ी मैंने पहनी थी मेरी इंगेजमेंट में, देखिए उसके बाद एक बार पहनी थी बस। और ये साड़ी मुझे गिफ्ट मिली थी मेरी गोस्त सास ने दी थी, ये साड़ी मेरी मायके से मिली थी मुझे, बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी, मेरी मायके की साड़ी है, ये दो रंग वाली है, नीचे नेट है, ऊपर से ऑरेंज कलर है, अंदर पिंक है। इसके बाद एक ये साड़ी है, ये भी मेरी चढ़ाव की साड़ी है, ठीक है। और मुझे ब्लैक वाली दिख रही है, मैं दूर से दिखा देती हूँ। ये जो ब्लैक वाली साड़ी है ये मैंने ली थी अभी पिछले साल एक पार्टी में हम गए थे, वहाँ मैंने इन्होंने दिलाया था ये साड़ी, ली थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपने देखा होगा, फोटो होगी तो मैं लगा दूंगी। ये साड़ी मैंने मंगवाई थी मीशो से ऑनलाइन, एक बार बस पहनी है ये वाली। और ये साड़ी ये साड़ी मेरी चाची साथ में दी थी, ये एक ही बार पहनी है। साड़ियाँ बहुत हैं, सब नई नई हैं। ये देखो ये भी मेरी शादी की साड़ी है, जो चढ़ाव पे जाती ससुराल से, वो भी बिल्कुल नई पैक्ड है, कभी नहीं पहना ये साड़ी। ये मुझे मेरी चाची सास ने दी थी मेरी एंगेजमेंट में, जल्दी से बता रही, ठीक है। ये वाली नानी ने दी थी गाइस, नहीं बट ये मेरे मायके से मिली थी। और ये साड़ी भी मुझे किसी ने गिफ्ट ही किया था, केशव जब हुआ था तो मुझे याद नहीं आया, हाँ किसी ने दिया था। और इस पे आते, ये भी मेरी बहुत अच्छी मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मेरी मायके से मिली थी भाई दूज पे। ये साड़ी एक आंटी जी हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था ये साड़ी मुझे, भाभी नहीं, ये साड़ी उन्होंने दिया था, चाची के यहाँ मिली थी मुझे, ठीक है। ये मेरी मायके की साड़ी है, ये मेरी मौसी की यहाँ की साड़ी है, ये अभी देखो ये साड़ी जो है ना, ये साड़ी बहुत ही खास है, क्योंकि ये साड़ी मैंने पहनी थी मेरे इंगेजमेंट में। तो ये है वो साड़ी, इसे मैंने एक ही बार पहना है, उसके बाद से कभी पहना ही नहीं है, ये बहुत खास है, और इसे मैं रख के भूल भी गई थी, अब निकली है तो याद आए कि हाँ इसे पहन सकते हैं। एक साड़ी ये है, ये देखो ये बनारसी टाइप की है, ये मेरी बुआ सास ने मुझे दिया था जब कृषि की बरही थी तब। एक साड़ी ये है,
ये मुझे मेरे भाई ने दिया था रक्षाबंधन पे, जो भी बहुत सुंदर साड़ी है। और ये साड़ी ये बहुत प्यारी साड़ी है, ये मेरी मायके की ये भी साड़ी है, देखो बहुत सुंदर है अंदर, ये देखो हेवी सा है वर्क है अंदर, नेट की है और बाहर से ऐसे है पिंक और ऑरेंज कलर की है। ये मेरी मायके से मिली थी शादी के टाइम की साड़ी, ठीक है। और देखो ये साड़ी, ये ससुराल की साड़ी है, जो वो जाता है ना चढ़ाव उसमें जाता है, तो ये भी बहुत सुंदर है। इसे मैंने पिछली बार पिशिप के बर्थडे में कथा में पहना था ये, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि कपड़ा बहुत पतला है और वर्क बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ऐसे भागती रहती है, बाकी अच्छी साड़ी है। एक साड़ी ये है मेरी जो कि बहुत सुंदर है, ये देखो रेड कलर की है, ये मुझे ससुराल साइड से गया था। ये सब मतलब शादी में हमारे यहाँ जो है ससुराल साइड से 11-7 ऐसे करके साड़ियाँ जाती, तो मेरे लिए शायद 11 साड़ी गई थी, तो उसमें से ये सब हैवी होती मतलब अच्छी अच्छी साड़ियाँ जाती है, तो ये जितनी हैवी वाली साड़ी है सब मेरी वही चढ़ाव वाली साड़ियाँ हैं, ठीक है। तो एक ये है, ये वाली तो और गिंजा सिल्क है, जो अभी मैंने फंक्शन में पहना था और तीज में भी पहना था, आपने देखा होगा, ठीक है। और ये वाली जो है इसे भी मैंने बहुत बार पहना है, ये देखो ब्लैक कलर की है इस तरह की, ये कोलकाता में लिया था, कॉटन सिल्क है, मेरी मम्मी ने मुझे बनाया था। और उसके बाद ये देखो ये साड़ी है, ये भी मेरी चढ़ाव की साड़ी है, जो बिल्कुल नई है, अभी ब्लाउज भी नहीं सिला है, बहुत अच्छी है ये भी, इसे मैंने पूरा खोल के अभी देखा भी नहीं, देखो धागा बंधा हुआ है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसको यूज़ कर लूँ, ऐसे ही रखी हुई है। ये साड़ी है, उसके बाद एक ये साड़ी है, इसका बॉर्डर देखो कितना हेवी है, ये मेरी चाची सास ने मुझे दिया था मेरी इंगेजमेंट में, इसका ऊपर का कपड़ा देखो कुछ ऐसा है। एक ये हो गई, ठीक है। और एक ये साड़ी है जो मुझे मेरी भाभी ने दिया था, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये, मेरे भैया भाभी ने मुझे भाई दूज पे दिया था, ये देखो जब नई नई सिल्क बहुत ट्रेंड में थी ना तब दिया था, अब तो पूरा यही कलर दिखता है चारों तरफ, तो ये हो गई। एक साड़ी ये है, ये एक आंटी जी ने मुझे गिफ्ट की है साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसे अभी मैंने इसको तैयार नहीं किया बट करूँगी, अच्छा लगता है मुझे इस तरह की साड़ियाँ पसंद है। एक ये है, तो एक ये साड़ी है, ये देखो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है ये, और ये साड़ी मुझे दी थी मेरी सासू माँ ने मेरी इंगेजमेंट में, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बहुत सुंदर है, इसे मैंने शादी में पहना था, एक या दो बार पहना है आई थिंक, करवा में पहना था और उसके बाद शादी में पहना, बहुत सुंदर है ये साड़ी है। और ये दोनों मैं ना उसमें दिखाना भूल गई थी आप लोग को, एक ये साड़ी है, ये भी मेरे ससुराल की साइड से ही है, ये देखो बहुत हेवी बॉर्डर में है ये साड़ी है, ये भी ससुराल की साइड से गई थी। और तो बस अब सारी साड़ियाँ मैं रख लूँगी फिर से, ऐसे बैग मैंने मंगवाए हैं ऑनलाइन और इसी बैग में मैं साड़ियाँ रख लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर पूरा वार्डरोब ही भर जाएगा मेरा, तो मैं ऐसे करके ना बैग में रख के रख देती हूँ। तो कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई, मैं भूल गई दिखाना, ये देखो ये जो मैं उठा रही हूँ चुंदरी वाली दो साड़ियाँ, एक जो वो रॉयल ब्लू कलर की रखी है, ये बहुत सुंदर साड़ी है मेरी चढ़ाव वाली, वो भी मैं भूल गई दिखाना आप लोगों को, बाद में मुझे दिखा वार्डरोब में, कह रही ये साड़ियाँ भी तो है मेरे पास, ये देखो दोनों चुंदरी वाली, ये मुझे मम्मी जी ने दिलाई थी ये दोनों चुंदरी वाली साड़ियाँ, पूजा वूजा होती है ना उसमें चढ़ती है, तो वही वाली साड़ियाँ हैं ये। और भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, 9-10 तो कोलकाता में रखी हैं और मेरे दीवान के अंदर भी कुछ साड़ियाँ रखी हैं, तो जितना मैं निकाल पाई उतना आप लोग को दिखा दिया। तो चलो बताना कैसा लगा मेरा साड़ी कलेक्शन, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।